पंजाब सरकार खिलाफ की जा रही नारेबाजी तस्वीर मोहाली दे खरड़ दियां ने। इत्थे बेरोजगार अध्यापकों के वलों पंजाब के नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रिहायश बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह पहली बार है जदों मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी के खिलाफ बेरोजगारों के वलों मोर्चा खोलिया गया होवे। ये बेरोजगार लंबे समय तो नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारों के वलों चरणजीत सिंह चन्नी की रिहायश वल मार्च कढ़िया गया। पिछले 4.5 साल तो जो असं लंबा संघर्ष कर रहे हैं, एक लंबे संघर्ष तो बाद 4.5 सालों तो बाद जो सू 635 पोस्टा मिली भी सरकार ने जी निकम्मी सरकार ने उन्होंने नेपरे नहीं चाड़िया। सो असी इस मंग को लैके अज फिर मतलब साड़िया पोस्टा तो साड़िया आ गई पर किसी ना किसी तरीके सिरे नहीं चाड़े। जो सा पेपर रखा गया वो जी निकम्मी सरकार है वह पेपर लैन का नाम नहीं लै रही, कितने ना कि इस भर्ती लमका रही है जिमें कि 2364 भर्ती है चन्नी की रिहायश बार प्रदर्शन करने पहुंचे बेरोजगार ने मुख्यमंत्री नूं चेतावनी दित्ती है। हक है वो सातों खोया जा रहा, तो आप पंजाब सरकार को यह दस देना चाहते हैं कि जो साडा ETT का हक है वो आप कभी भी पिछले इतिहास में आप फरोल के वेखिए तो वह आप कभी भी नहीं छड़िया, ना हुण छड़िया और ना आने वाले समय में छड़िया जाऊगा। मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने यह गल अनाउंस की है कि आप जो SC का जो पिछला बैकलॉग है वह सारा दिता जाऊगा। पर अज जो आप गल मीटिंग कर रहे हैं अज चन्नी साहब के आप शहर खड़ा के पहुंचे हुए हैं चन्नी साहब को मिलने वास्ते। पिछले 5 दिन पहले तो आप प्रोग्राम अनाउंस किया हुआ सी लेकिन चन्नी साहब को इन्ना टाइम नहीं है कि ETT टेट पास बेरोजगार अध्यापकों मीटिंग की जाए। सो जे चन्नी साहब जे खेतों के जाके किसानों मीटिंग कर रहे हैं कि देखो जी थोड़ा जोड़ा फसल का नुकसान होया तो ना तो उन्होंने कोई मुआवजे की जो अनाउंसमेंट की गई है। सो एक आप कह सकते हैं कि पब्लिक स्टंट हैगा, इस तो अलावा कुछ भी नहीं हैगा। सो मैं मंत्री साहब मुख्यमंत्री साहब को बेनती करता कि जेकर साड़िया मंगा का हल ना किया गया तो आने वाले दिनों में जिमें कैप्टन साहब का विरोध होया सी उवें आपां तुहाडा भी डट के विरोध करांगे। पहला इस संघर्ष पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रिहायश वल किए जाते सन, हुण बेरोजगारों ने मोर्चा खोलिया चरणजीत चन्नी के खिलाफ़।